ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आई है, जहां भीम आर्मी के नेता पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर जान लेने की कोशिश की गई। फायरिंग होते ही भीम आर्मी के नेता और पूर्व महासचिव मनोज पासवान छुप गए। गोलियां उनके आजू बाजू से निकल गई और एक बड़ी घटना होने से बच गई। घटना बिहार के मुजफ्फरपुर की है, जहां भीम आर्मी के नेता मनोज पासवान ने 36 लाख में एक लीची बगान खरीदा था और बुधवार को जब उनको जानकारी मिली कि कुछ लोग बगीचे के पेड़ को काट रहे हैं और वो बगीचा पहुंचे जहां लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। फायरिंग होते ही मनोज पासवान पेड़ के पीछे छुप गए और हमलावर इससे भी नहीं रुके और वे फायरिंग करते रहे। इसी बीच फायरिंग की आवाज पर जब इलाके के लोग शोर मचाते हुए वहां पहुंचना शुरू किया तो हमलावर भाग खड़े हुए। दरअसल बिहार के मुजफ्फरपुर में लीची का पेड़ काटने से मना करने पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस दौरान मौके पर आधा दर्जन राउंड फायरिंग की गई है। इस फायरिंग में भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव रह चुके मनोज पासवान बाल बाल बच गए। घटना मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र के माधोपुर गांव की है। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। आसपास के ग्रामीण फायरिंग की आवाज पर इधर उधर दुबक गए। मनोज पासवान के शोर मचाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे। इस दौरान फायरिंग करने वालों ने जब गांव के लोगों को आते देखा तो वो मौके से भाग निकले। ग्रामीणों को देख हमलावर अपनी बाइक मौके पर ही छोड़ दिए। घटना के बाद मामले की सूचना मनियारी पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस घटनास्थल की छानबीन कर मामले की पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने घटनास्थल से करीब आधा दर्जन बाइक को जब्त किया है और जब्त बाइक को एक ट्रैक्टर पर लादकर थाने ले गई है। घटना को लेकर भीम आर्मी के नेता मनोज पासवान ने बताया कि वो भीम आर्मी के प्रदेश महासचिव रह चुके हैं। उन्होंने सुमेरा गांव की रहने वाली मालती देवी और उनके बेटों से लीची बगान का एग्रीमेंट कराया था। इसके एवज में उन्होंने अपने अकाउंट से 12,56,000 और नगद मिलाकर कुल 36 लाख रुपये जमीन के लिए मालती देवी को दिए थे। जमीन पर लीची का बगान है। उन्होंने कहा कि आज जब वे शहर में थे उसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि जमीन पर लीची का पेड़ काटा जा रहा है। सूचना मिलते ही जब वे बागान पहुंचे तो देखा कि 50 की संख्या में लोग और मालती देवी का दो बेटा पेड़ कटवा रहा है। इस पर वह पेड़ काटने से मना करने लगे। इसी दौरान वहां मौजूद युवकों ने पिस्टल से उन पर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। वो किसी तरह छिपकर अपनी जान बचाने में कामयाब हुए। सर, ये जमीन जो है एग्रीमेंट करवाए हुए थे हम। किन से? मालती देवी से। अच्छा। और उनके पुत्र से। क्या नाम? रंजन कुमार टिंकू। अच्छा। और दो पुत्र और थे, उनको अकाउंट द्वारा आरटीजीएस द्वारा 12,56,000 रुपया दिए और कैश में दे करके टोटल 36 लाख रुपया इस प्लॉट पे हम दिए हुए थे। और रजिस्ट्री का जब समय आया तो वो आज बिहान करने लगे। अचानक ही प्लॉट के, हम टाउन में थे, मालूम चला कि प्लॉट पे लीची कट रहा है। हम लोग के कोई जानकारी नहीं मिली और यहाँ आए तो देखे अज्ञात 50 आदमी, टिंकू और दो भाई उसके साथ और था, आकर के पेड़ कटवा रहा था। हम आए मना करने के लिए, 50 आदमी है से देखे कि अपना डंडा लाठी लिए हुआ था। उसके बाद मना करने ही क्रम में 3-4 गो लड़का से पिस्टल लेकर के वह से चलाना चालू कर दिया। मालती देवी कहाँ की रहने वाली है? सुमेरा। पिस्टल से आप पर फायरिंग हुआ है? जी जी। अच्छा, कैसे हम जान बचाए हैं सर? आपने मनियारी थाना को सूचित किया? जी जी, थाना प्रभारी के तुरंत हम सूचित किया कि सर इस तरह का कांड हो गया है मेरे साथ, जल्द से जल्द थाना के भेजा जाए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम मनोज पासवान हुआ। घर माधोपुर सुस्ता हो गया। हम भीम आर्मी प्रदेश महासचिव भी रह चुके हैं। इधर मामले को लेकर मनियारी इलाके में तनाव बढ़ गया है। भीम आर्मी के कार्यकर्ता आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे हैं। अब पुलिस पूरे मामले में जब्त मोटरसाइकिल के जरिए आरोपियों की पहचान करने में जुटी है ताकि हमलावरों की गिरफ्तारी की जा सके। खुलासा के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की ये खास रिपोर्ट।